मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, गुरुग्राम। आज हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करेंगे जिसको लोबुलर कार्सिनोमा कहते हैं। एक्चुअली ब्रेस्ट का काम है मिल्क बनाना। उसमें मेनली दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं मिल्क से रिलेटेड। एक वो ग्लैंड्स, ग्रंथियां, जिसमें मिल्क बनता है, और एक वो डक्ट्स जो उन ग्रंथियों से दूध को निपल तक ले जाते हैं। तो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ दी ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं वो डक्ट कार्सिनोमा होते हैं, इसीलिए आपने पढ़ा होगा इनफिल्ट्रेटिंग डक्ट कार्सिनोमा। बट टोटल कैंसर में लगभग 10% ब्रेस्ट कैंसर दूध बनाने वाली ग्रंथियों में भी होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लोबुलर कार्सिनोमा। ये थोड़ा सा ओल्डर एज में होते हैं, यंग एज में थोड़ा कम होते हैं। अक्सर ये पाया गया है कि ये कैंसर मल्टीसेंट्रिक होते हैं। मल्टीसेंट्रिक का मतलब है कि एक ब्रेस्ट में छोटे छोटे कैंसर कई जगह हो सकते हैं, और अक्सर ये दूसरी ब्रेस्ट में भी, हालांकि पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, तब भी पाए जा सकते हैं। और इसीलिए इनमें इंसिडेंस ऑफ बाइलेटरलिटी, यानी दोनों ब्रेस्ट में एक साथ होने का, या मल्टीसेंट्रिसिटी, एक ब्रेस्ट में ही कई जगह होने का इंसिडेंस काफ़ी कॉमन है। एमआरआई आने के बाद ये चीज़ें बेटर डायग्नोज होने लगी हैं, पहले उतनी आसानी से डायग्नोज नहीं होता था। एवरेज डायग्नोसिस की एज डक्ट कार्सिनोमा के मुकाबले 3 से 4 साल ज़्यादा है। यूजुअली ये कैंसर टिपिकल गांठ के साथ प्रेजेंट नहीं करते हैं, थोड़ी सी फुलनेस हो सकती है, थोड़ी स्किन की थिकनिंग हो सकती है, थोड़ा निपल थिकेंड हो सकता है। बट जैसा कि डक्ट कार्सिनोमा में अक्सर पेशेंट को लंप होते हैं, वो ये नहीं होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक चीज़ कहलाती है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स। इन पेशेंट्स में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर का इंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा है, जो अच्छी बात है। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, लोबुलर कार्सिनोमा का ट्रीटमेंट जो इन्फिल्ट्रेटिव टाइप हैं, जिनको फैलने की टेंडेंसी है, उनका इंसिडेंस, उनका ट्रीटमेंट वही है ऑलमोस्ट जो इन्फिल्ट्रेटिंग डक्ट कार्सिनोमा का है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि अगर ये मल्टीसेंट्रिक हैं तो हमको ब्रेस्ट सेविंग सर्जरी की संभावना कम हो जाती है, या अगर हमने एमआरआई पे या किसी तरह से दूसरी ब्रेस्ट में भी इनको ढूंढा है तब फिर दोनों तरफ की ब्रेस्ट का ऑपरेशन करना पड़ता है। एक और एंटिटी है लोबुलर कार्सिनोमा से एसोसिएटेड, जिसको हम लोग कहते हैं लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू। पहले लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू न फैलने वाले कैंसर की कैटेगरी में आता था, बट अब इसको हम लोग कैंसर नहीं मानते हैं। ये प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस में आता है, बट ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है, क्योंकि इसमें फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले 8 से 10 गुना बढ़ जाता है। लगभग आधे पेशेंट्स में, जैसा मैंने कहा, ये मल्टीसेंट्रिक हो सकते हैं, और 40 से 60% पेशेंट्स में ये दूसरी तरफ भी हो सकते हैं। अगर प्योर लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू की डायग्नोसिस है तो आज गाइडलाइन ये है कि इनको ऑपरेट नहीं किया जाता है, या तो हम इनको बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व करते हैं, या कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, उन्हीं दवाओं को फ्यूचर कैंसर को रोकने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि टमोक्सिफेन एक दवा है जो पिछले 40-50 सालों से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उस दवा को रेगुलर बेसिस पे 20 मिलीग्राम पर डे 5 साल तक देने से हम ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस को लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू में काफ़ी कम कर सकते हैं। सो लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू एक स्लाइटली डिफरेंट एंटिटी है, थोड़ा सा अप्रोच उस पर डिफरेंट रहना चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर इन्फिल्ट्रेटिंग लोबुलर कार्सिनोमा है तो उसका ट्रीटमेंट किसी और इन्वेजिव या इन्फिल्ट्रेटिंग कैंसर की तरह ही किया जाता है। धन्यवाद।